Okay. I'm done. I'm out. Okay. हाय फ्रेंड्स, हमने एक सोनी का 4K 65 इंचेस टीवी परचेज किया है और उसका अभी जो है डिलीवरी आने वाला है। हमारे जैसे मेन गेट है वहाँ से कॉल भी आ गया था, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आता है उसका किस तरह से पैकेजिंग में आता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो टेक्नीशियन है वो शायद आज ना आ पाए, कल ही आएंगे। तो जैसे टेक्नीशियन आता है तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो और साथ साथ उसका इंस्टॉलेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलो तुम चलोगे। पैकेजिंग के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि पैकेजिंग को लेकर ना मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जैसे कि इसमें ना पहले क्या होता था, ये सारे साइड में ना टेप चिपका हुआ आता था पूरा में, और टेप भी जो होता था ना वो वन टेप में होता था, सिंगल टेप में। उसमें कोई शेक नहीं होता था, कोई कट फिट नहीं होता था, तो उसमें पता लग जाता था कि ये पैकेजिंग में कोई छेड़खानी नहीं हुआ। तो हमें भी कंफ्यूजन हुआ, फिर हमने डीलर को कॉल किया और कस्टमर केयर में कॉल किया। देन हमें पता लगा कि जो 55 इंचेस से ऊपर वाला साइज आता है ना, जो बड़े साइज आता है, उसमें आजकल टेप नहीं लग रहा है। तो देखिए, इस टाइप का जो है कार्टन बॉक्स में ही आता है, ये बहुत मजबूत होता है और ये दो स्ट्रिप ने इसको अच्छे से इसको बना हुआ रहता है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ये 4K HDR टीवी है और इसमें X1 प्रोसेसर है और गूगल टीवी OS है इसमें। और इसमें इसका जो साइज है वो है 65 इंचेस और इसका मॉडल नंबर है X85J। तो फ्रेंड्स, अभी इसके ऊपर वाला पोर्शन में देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको हैंडलिंग करना है इसको और उसमें आपको अनबॉक्सिंग कैसे करना है, जैसे आपको किस तरह से निकालना है टीवी इस पैकेजिंग के अंदर से। ये लिखा हुआ है इसमें पिक्चर के साथ। अब हम इस साइड में आ जाते हैं और इसमें दिखा देता है क्या क्या चीजें मेंशन है। सबसे पहले तो देखिए इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है, KD फुल मॉडल नंबर है ये KD-65X85J। और इसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ क्या है, जुलाई 21, यानी कि ये बिल्कुल लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है और बिल्कुल ये मॉडल जो है ना ये भी अभी रिलीज हुआ है। और इसका जो कंपनी का प्राइस है, MRP है, ये है 1,99,900। तो आपको सेल प्राइस तो अलग ही मिलेगी, वो तो आप देखिए अमेजन से ले लीजिए, कोई अच्छे डीलर से ले लीजिए, क्योंकि अभी तो दिवाली के टाइम है, आपको जहां से भी अच्छा डील मिले आप ले लीजिए। तो अभी क्या है, इसको मैं अनबॉक्सिंग करूंगी और जो जो फीचर है वो भी आप लोगों के साथ मैं सारी चीजें शेयर करूंगी। पापा एक तो चादर नहीं आसा, नहीं नीचे रख देते, एक चादर लगा के नीचे रख देते, एक बेडशीट दे दो नीचे आ जाएगा। चादर नहीं आसा, एक तो चादर इतना सा पतला करके बिछा दो ना।
टॉप में करो। भैया कितना फिट है इसका ये वेट में, उसमें हाइट में, हाइट में कैसे? हाँ 33 इंच। एक बार आपके पास इंच टेप होगा ना, निकाल रहे हैं। और इसके स्टैंड का साइज क्या है? 2 इंच। 2 इंच तो 35 हो गया ना, तो आप मुझे 35 करके दिखाइए कितना आ रहा है। यहाँ आएगा ना, टेबल टॉप कर दो, टेबल टॉप कर दीजिए। बाद में दोबारा करा सकते हैं। अभी अगर वॉल माउंटेड कराते हैं तो दोबारा करा सकते हैं। टेबल टॉप करवाया और आप स्टैंड नहीं लेते हो मेरे से। हाँ। स्टैंड है। हाँ। और आप नहीं लेते हो तो आपकी सिचुएशन वैलिड रहती है। ओके, यानी आप दोबारा कस्टमर केयर में कॉल करके। ठीक है, ठीक है, फिर विषय तो ही सही है। कौन सा कह रहे हैं कि अगर आप अभी तो टेबल टॉप इसमें तो कोई हिलाना कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, हाँ, तो ही तो भैया बोल रहे हैं। ठीक है भैया, कर दीजिए। एक बार मुझे टेबल टॉप करके देखते कितना हाइट होता है। ठीक है, ठीक है ना, जो ज्यादा होता है तो ठीक लगता है तो हम इसमें ही कर देते हैं, नहीं तो फिर साथ के साथ ये कर लेंगे। कोई नहीं, हाँ डिसाइड कर लेंगे ना। एक्चुअली इसका हाइट ज्यादा है ना, तो मुझे लगा कि सोफा में से जब बैठ के देखेंगे ना तो सही एंगल आएगा उसमें। पेशी बताओ इसमें ये पीस फ्रेश है कि यूज है? फ्रेश है सर, यूज होता तो पैकिंग देख के पता लग जाता। अच्छा, क्योंकि पहले जो आता था टेप आता था, अभी तो टेप नहीं आता है। अभी पीछे टेप नहीं, अभी नहीं आया पीछे टेप। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अनबॉक्सिंग हो गया है। अब भैया जो है हमें फीचर बताएंगे और बाद में भी मैं आराम से आप लोगों को बता दूंगी। अभी भैया से सुन लेते हैं प्रॉपर क्या क्या फीचर है इसमें और किस तरह से हमें यूज करना है, तो हम भैया से सुन लेते हैं कि क्या क्या फीचर है। भैया बताइएगा। इसमें वो नहीं लगेगा कुछ, नीचे से नट नहीं लगेगा? विदाउट नट होगा। अच्छा, विदाउट नट पहले होते थे नट। हाँ भाई, अब लॉक वाला सिस्टम कर दिया था। अच्छा अच्छा, ये सीधा। हाँ भाई, थोड़ा सा ऑन कर दो उसको। भैया इस तरह से हिलता है क्या? थोड़ा सा तो हिल रहा है। नहीं नहीं, उसको ऑन कर दो। ऑन ऑन हां, अब ऑन कहीं नहीं जाता बड़ा टीवी, जब तक आप इसको छेड़ोगे तब तक नहीं जाएगा। नहीं, छेड़ने वाला काम तो है नहीं हमारे, छेड़ने से छोटा बच्चा नहीं जाता है। ठीक, नहीं हुआ क्या? हाँ, वो पहले हमारे यहाँ पे ना 48 इंच था, वो जो देख रहे हो दीवार पे ही था। सोनी का? हाँ नहीं, वो था सैमसंग का। हाँ, वाईफाई लगा लगा वैसे भी। तो स्टार्ट हो गया फ्रेंड अभी,
अभी भैया हमें सारे फीचर बताएंगे एक एक करके और हम समझ लेंगे कि क्या क्या है इसमें। हाँ जी, इसका मेन होम डिस्प्ले आपके टीवी का, जो भी आपने गूगल आई डाली सारे ऐप्स वो ऑटोमेटिक देंगे सारे, जो कस्टमर यूज करता है। ठीक है, इसको छोड़ के एसी ऑन ये सारे ऐप आ गए आपके टीवी में। आपका क्या है, यूट्यूब को छोड़ के जो भी आपने पैकेज ले रखा है, अमेजोन नेटफ्लिक्स या जो भी आप ऐप देख रहे हो, सोनी लिव जी फाइव, तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा अगर आपने पैकेज ले रखा है तो, नहीं तो अगर आपने यूज करना तो पैकेज लेना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वो तो हमने ले रखा है। किसका ले रखा है? साइन इन करना पड़ेगा पूरा, वैसे आपका जो भी आईडी पासवर्ड होगा उसमें डालेंगे। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक नेटफ्लिक्स। अच्छा, सारे ऐप में एक बार साइन इन करना पड़ेगा? सेकंड टाइम से नहीं, सेकंड टाइम नहीं करना पड़ेगा, वन टाइम ही करना होता है। ओके, जो भी आपने ऐप लिखा हो सारे ऐप्स आपको आ रहे हैं, ये रिकमेंडेशन है। जैसे आप एप्पल टीवी भी है इसके अंदर, उसके लिए भी पैकेज लेना होता है। जैसे एप्पल टीवी में ये प्रोग्राम भी लेटेस्ट चल रहे हैं जो कस्टमर ज़्यादा देख रहे हैं, सेम नीचे क्रंची को, क्रंची और उस पर ये चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो चीज़ चल रही है ना जिस ऐप के अंदर, वो होम डिस्प्ले शो करता रहता है। अच्छा अच्छा, जैसे नीचे आएंगे ये रोज नाव पर चल रहा है, ये ऑनलाइन मूवीज पेड मूवीज हैं ये ज़्यादा देख रहे हैं कस्टमर, वो भी ऐप पर जो भी कंटेंट होगा वो आपको शो करता रहेगा होम डिस्प्ले पर। जैसे भी हमने चलाना है YouTube, YouTube के लिए कोई पैकेज नहीं है, वो आपके नेट से चलेगा। हाँ, डायरेक्ट चलेगा। हाँ जी, डायरेक्ट। ये आपका आईडी साइन हो गया इसमें, ये आपका YouTube आ गया। ठीक है जी, देखो ये ऑन ऑफ है अपना YouTube, Netflix, रिमोट का बता देता हूँ आप। ऑन ऑफ हो गया अपना YouTube, Netflix, Amazon, YouTube म्यूजिक। ओके, इसमें सेपरेट दे रखा है, कंपनी ने चारों बटन फ्रंट पे दे दिए हैं। अगर इन चारों को आपने यूज करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये आपका सोर्स, अगर आपने एप्पल फोन से इसको कनेक्ट करना है तो इसको प्रेस करेंगे, इसमें आएगा एयरप्ले, इस पर एंटर करेंगे। अब आपको कोई फोन लिया हो तो यही तो है, वो अभी आईफोन था नहीं, एक ही नहीं था, वो आईफोन सेम। इस एयरप्ले पर डालने के बाद आप एप्पल में जाओगे, उसमें आएगा स्क्रीन मिररिंग। हाँ हाँ, उसको अडैप करोगे, यहाँ पासवर्ड आएगा, पासवर्ड डाल दें, आपका फोन वहाँ चला। सही है, सही है। फिर तुम्हारा होम डिस्प्ले पे आ गया, हमने यूट्यूब चलाया, ये आपका यूट्यूब आ गया, ये आपका ये सोर्स हो गया एच डी आई 1 2 3 करने के लिए, और एयरप्ले ये आपका वॉइस सर्च है, गूगल असिस्टेंट जिसे कहते हैं। कंपनी ने इसका अलग से बटन दिया हुआ, अगर आपने कुछ भी सर्च करना इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करके रखेंगे, न्यू सॉन्ग्स पंजाबी, जो भी आप बोलोगे वही खुल जाएगा। ठीक है जी, जो आप इसमें ऐप इनबिल्ट ऐप दिए कंपनी ने, जो गूगल से उठाए, उसके अलावा अगर आपको कोई ऐप चाहिए होगा तो आप इसको प्रेस करके रखोगे, ओपन प्ले स्टोर, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जैसे फ़ोन में करते हो। फोन में, ठीक है जी, ठीक है, ये आपका प्ले स्टोर ओपन होगा। ठीक है, जो ऐप इसमें है इसके अंदर कोई ऐप चाहिए जो टीवी सपोर्ट करता हो वही मिलेंगे आपको इसके अंदर। मोबाइल की एप्लीकेशन अलग होती है, मोबाइल की एप्लीकेशन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है जी, ये हमारा बैक हो गया, ये शॉर्टकट सेटिंग का बटन है, दिखा देगा आपको। पिक्चर मोड हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ब्राइटनेस होनी चाहिए कंपनी की वो ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, तो आपने स्टैंडर्ड ही यूज़ करना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है वो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये शॉर्टकट ऐप का बटन है, अगर होम के अंदर आपने नहीं जाना, सीधा ऐप खोलना तो ऐप्स दबा दोगे, ये सीधे आपके सारे ऐप्स का कौन सा बटन है लिखा है जी, ऐप्स का। अच्छा, अच्छा, शॉर्टकट सेटिंग, शॉर्टकट ऐप्स, ठीक है। ये आपका बैक, अगर आपने सेटअप बॉक्स लगाया हुआ है, सीधा आप टीवी प्रेस करोगे तो आपका ये सीधा सेटअप बॉक्स आपका सेट हो गया HD में, ये आपका हो गया, सीधा सेटअप बॉक्स आ गया। ठीक है जी, जैसे आपका बॉक्स एंड्रॉइड है सेम टीवी एंड्रॉइड, सेम टीवी, ठीक है ठीक है। ये होम का जो आपको बताया था, होम आपका इसका मेन डिस्प्ले, ये सारे ऐप्स वगैरह होम के अंदर मिल जाएंगे आपको। ये इसका वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल जिससे चलेंगे नहीं आपको, जो जियो का रिमोट होगा उससे चलेंगे, तो चलेंगे। ये पेन ड्राइव के लिए, आगे पीछे वीडियो देख रहे हो तो आगे पीछे स्टॉप प्ले, गाने सुन रहे हो तो आगे पीछे स्टॉप, ठीक है। इसमें पेन ड्राइव का पोर्ट कितने, सारे पोर्ट लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड अच्छा इधर ना, दिखा देना बेटा इसको, सबसे ऊपर जो है वो पेन ड्राइव, ये बैक में है सारे जो पोर्ट है, नीचे करो दिख नहीं जैसे, सबसे ऊपर पेन ड्राइव, उसके नीचे ऑप्टिकल होम थिएटर के लिए, फिर एक ऑक्स भी होम थिएटर के लिए,
फिर ये येलो वाला जो है ये है आपका ऑडियो वीडियो के लिए ओके जो बॉक्स नॉर्मल होते हैं हाँ हाँ अब नीचे दिखाना आप सर नीचे करो बेटा ये आपके HDMI सारे जिस पे एक HDMI कनेक्टेड है आपका इसमें आपके खाली है ठीक कुछ भी कनेक्ट करना हो आप कर सकते हो तो अच्छा हो गया मेरे एप्पल के साथ कनेक्ट हो जाएगा मेरे को बड़े दिक्कत हो रही है एप्पल के साथ कनेक्ट होगा जी अगर आप बंद करेंगे तो फिर रिमोट तो हो गया टीवी का आपको बताएंगे मैं बाकी यूट्यूब छोड़ के बाकी सब चार्जेबल है पैकेज लॉग इन कर लेना आपका सारे आप जैसे आप इसमें जो आपका लिखा हुआ है एक्स बैलेंस स्पीकर इसका क्या मतलब है ये सेंटर में होता है जो दोनों साइड के जो स्पीकर है इसके जो डायमेंशन होती है जीरो इसकी आवाज़ में बहुत अलग है इसमें क्या है और भी होगा डॉल्बी डिजिटल एटमॉस डॉल्बी साउंड देता है जो नया ये साउंड भी नई टेक्नोलॉजी है डॉल्बी एटमॉस इससे भी ऊपर कोई साउंड नहीं आएगा आप चलाओगे इसकी स्पीकर आवाज़ सुनोगे ऑटोमेटिक पता लग जाएगा ये गूगल ओके गूगल असिस्टेंट दिया हुआ ये मैंने आपको बताया okay, yes. ये आपका एप्पल एयरप्ले हो गया आपका इसके साथ कंपनी ने इस बार ऑफर निकाला 1+2 एक साल पूरे टीवी की है एक साल में 2 साल आपके पैनल की है स्क्रीन की वो वारंटी दी कंपनी ने नीचे आपको और सोनी एक इंस्टॉलमेंट भी जैसा ले रहे थे एक इंस्टॉलमेंट भी फ्री दे रहा है इसके साथ आपको बताया वो दिया वो दिया था ओके एक इंस्टॉलमेंट सोनी की तरफ से मिला है अब वो आपको मिला वो डीलर बताता है कि जो इसका था वो हो गया आपको ये कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ आप मुझे हाँ भैया थैंक यू सो मच ओके मैम थैंक यू अब कुछ अगर हमें प्रॉब्लम होगा कुछ समझने में दिक्कत होगा तो आपको कॉल कर देंगे ओके मैम ठीक है भैया थैंक यू तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर इस वीडियो के पे मुझे 1000 लाइक्स मिलता है तो मैं इस टीवी के ऊपर और एक रिव्यू वीडियो भी लेके आऊंगी बट वो रिव्यू वीडियो एक महीने के बाद लेके आऊंगी क्योंकि मुझे यूज करके देखना भी है और इन द मीन टाइम मैं और एक वीडियो लेके आ रही हूँ दैट विल बी ऑल्सो अनबॉक्सिंग वीडियो बट वो प्रोडक्ट मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ वो सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए तो मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय